स्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री माधव प्रिय प्रभु अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजु के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुंचे हैं, आप लोगों ने श्रवण किया है, हम लोग रोज रोज भजन गाते हैं ना, मंदिर जो परिक्रमा करते हैं, बोले जय राम घाट जय रोहिणी रोज हम सवेरे ये भजन को रोज करते हैं, रोज ये राम घाट को हम याद करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ध्यान देकर सुनो, रूप गोस्वामी कहते भक्ति करना है ना, बोले तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिल ईद उपदेश। रूप गोस्वामी एक श्लोक में जितने सारे शास्त्र का सार बता दिया, बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले वृंदावन में रह करके, कहाँ रह करके, बोले अगर सबके सब वृंदावन में आ जाए हमारे घर दर कैसे चलेगा, फिर पैसा कहाँ से आएगा है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते शरीर भले ही शरीर में कहीं भी रहो लेकिन मन को द्वारा वृंदावन में वास करो। इसलिए सवेरे जो कीर्तन जो गाते ना रोज इसको याद करनी चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे के कीर्तन उन्होंने लिखा है, जो एक कीर्तन को आप गाओ ना पूरा संपूर्ण ब्रजमंडल परिक्रमा हो जाएगी पूरा। इसलिए ये रोज कीर्तन करनी चाहिए। कौन सा कीर्तन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन सब तीर्थ अपने आप स्मरण में आ जाएगा। और जिस जगह का स्मरण करते हैं ना हम वहीं पर ही निवास करते हैं, रोज इस स्थान को हम सवेरे सवेरे याद करते हैं। अब लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे, ये स्थान का नाम रामघाट एच्चा दाऊ जी, एच्चा दाऊ जी वहां लिखा हुआ है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु कुछ कुछ लोगों का मन में शंका है, सारा दुनिया जानते हैं रास कौन किया है, किसने किया है, केवल वाकई बिहारी कृष्ण ही रास किया है, लेकिन बलदेव प्रभु भी रास किया। ये चीज को कुछ लोग वृंदावन दास ठाकुर कहते, ये चीज को कुछ लोग मानना नहीं चाहते, बोले भाई रास रसिया तो हमारे को पता नहीं आए कि वाकई बिहारी रास रचाने वाले, ये बलदेव प्रभु कहाँ रास किया, बोले नहीं अब भागवत में पढ़ो श्री बलदेव प्रभु रास किया है, बलदेव रास किया। बोले भैया रास कैसे किया, कृष्ण तो केवल रास कर सकते हैं। कहते जो बलदेव प्रभु वो देखने में कृष्ण बलराम दोनों देखने में केवल अलग है, कृष्ण काले और दाऊदिया गोरे, लेकिन तत्व तो एक ही है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जब ये चैतन्य भागवत को प्रारंभ करते हैं उसका पहला श्लोक है, बोले अजानुलंबित मुजो कनका बता दो संकीर्तन पितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार। वृंदावन दास ठाकुर अपना गुरु जी नित्यानंद प्रभु की महिमा गा रहे, मेरे मेरे गुरुदेव कौन है, बोले कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए जब ये स्तुति करते हैं दोनों को एक ही दिखा, बोले अजानुलंबित भुजो, दोनों का जो हाथ है अजानुलंबित भुजो कहने का बता दो, तो उनका रंग कैसे है, गौर रंग है, गौर रंग है। बोले कमलायताक्ष उनको दोनों का आग कैसे है, कमल जैसे आग है, हैं विश्वम भरो ये विश्व ब्रह्मांड को भक्ति के द्वारा भरण पोषण करने वाले मेरे गुरुदेव ही नित्यानंद बलदेव प्रभु और कृष्ण है। इसलिए बंदे जगत प्रिय करो, ये जो संस्कृत प्रयोग तो पड़ेगी नहीं, पड़ेगी ना, यहाँ पर दो वचन दो वचन दो वचन प्रयोग, दो वचन मतलब है दोनों एक ही है, जगत प्रिय करो दोनों की जगत का प्रिय करने वाले हैं, जगत प्रिय करो। इसलिए दोनों को एक साथ में स्तुति करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए, इसलिए पहले बताना शंकर सन कारण तयसाई गर्भोत साई च भय दिशाई देशांश जस्यांश सकला सनित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपत्ति। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब श्री बलदेव प्रभु की महिमा गाते, देखो क्या महिमा गा रहे हैं, बोले मेरे श्री नित्यानंद प्रभु कौन है,
हैं, बोले शंकर शरण कृष्ण। जब उन्होंने इच्छा की, इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में बताया सब नैवरमे नैवरमते, भगवान की इच्छा हुई मैं अकेला हूँ, अकेले स्वरूप का द्वारा लीला कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए भगवान कृष्ण द्वितीय मैचर वो दो होने के लिए इच्छा की। जब दो होने के लिए इच्छा की, कहते उनकी बाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई, यानी राधा रानी प्रकट हुई। बोले उनको डाण अंग से कौन प्रकट हुए, श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। बोले क्यों, बोले अभी कृष्ण को कैसे सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए। कहते इनसे तीन विष्णु प्रकट होते हैं, एक कारण दवसाई, एक गर्भ दवसाई और एक श्री क्षीराब्धिसाई, तीन विष्णु। और शेष रूप में भगवान की ये अनंत सज्जा पर भगवान